क्योंकि मैम काफी अच्छा लग रहा था प्रोमो, कुछ बताना चाहेंगे आपके बारे में? प्रोमो बहुत ही अच्छा है. मैंने अभी अभी जस्ट कल ही मैंने शूटिंग ख़त्म की है. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. जैसे सब ने बताया, हमारे रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स ने डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएटिव है उन्होंने बहुत अपने डिफरेंट क्रिएटिव माइंड से एक बहुत ही अच्छा शो बनाया है. एंड थैंक्स टू एन टी वी एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स. एंड मेरा किरदार बहुत ही डिफरेंट है. अगर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आने वाला कहानी तो वो आपको पता चलेगा. जहाँ पे प्यार आपको जब बहुत कुछ देता है ना, तब सुपरनैचुरल पावर आपसे छीन लेता है. प्यार आपको प्रोटेक्ट करता है, वहीं पे सुपरनैचुरल पावर आपको खतरे में डाल देता है. सो यहाँ पे यही ट्विस्ट है कि या प्यार जीतेगा या सुपरनैचुरल पावर जीतेगा. सो यहाँ पे यही चीज़ लाल इश्क को बहुत डिफरेंट बनाता है अलग अलग शो से. इन्होंने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कुछ डिफरेंट बनाने का. सो आप देखिए एंड आप खुद ही बताइए. It was amazing. The Gaurav Khanna, he was वो मेरे opposite में थे and he was so humble and so supportive and the entire cast was there and मैंने इतना enjoy किया है. और कल ही shooting ख़त्म हो गया है तो मैं उनको miss करने वाली हूँ. That's what. Okay, लाल इश्क शो का नाम अनोखा लग रहा है, कैसा लग रहा है? कोई हॉरर है? यही सबकी ना गलती है कि हॉरर नहीं है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट मतलब पैशनेट लव है, उसके साथ सुपरनैचुरल ट्विस्ट है. सो यही इसको डिफरेंट बनाते हैं. इट्स नॉट अ हॉरर हॉरर शो. सो यस, लाल इश्क में आप किसे इश्क करने वाले? मैं लाल इश्क में गौरव खन्ना के साथ इश्क करने वाली हूँ. एंड पूरा जो स्टोरी है, मैं अगर थोड़ा भी बहुत बताऊँ मैं कहाँ से मतलब बिलोंग करती हूँ तो ट्विस्ट खत्म हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वो थ्रिल वो ट्विस्ट रहने दीजिए एंड कुछ दिनों में आपको देखने को. हमने बहुत सारे इश्क देखे तो ये लाल कितना अलग हो रहा है? देखिए इश्क का रंग सब बोलते हैं, कोई बोलता है लाल है, कोई बोलता है सफ़ेद है. सो डिफरेंट डिफरेंट थाट्स इज देयर. सो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पैशनेट लव है, प्यार है. सो डेफिनेटली लाल इश्क लाल ही रहेगा. ओके मैम, आप काफ़ी सुंदर हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में? ओके थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं लास्ट फ्यू डेज में नाइट शिफ्ट कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ क्या करूँ. तो मैं जस्ट सिंपल एक ड्रेस पहन के आई हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बनारस की स्टोरी है और आपने देखा बनारस में कैसे होते, थोड़े यू नो अलर्ट टाइप के होते हैं कि भाई मस्त मौला रहते हैं और मतलब अपनी एक दुनिया होती है, अपने एक थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं. सो ही इज लाइक दैट. बट ऑल्सो यू नो होता है ना कि प्यार में बड़ा बिलीव करता है ये. एंड कैसे रिया के कैरेक्टर से उसको प्यार हो जाता है बिकॉज एक होता है ना एक नोकझोंक चलती रहती है इन दोनों के बीच. ओके मैम आप कुछ बताइए. बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो भी बनारस से ही है और ये लड़की जो है वो बहुत ही अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है. उसकी डैड एक लोकल केबल ऑपरेटर है तो इसे एटीट्यूड नहीं, ईगो नहीं, लेकिन हाँ बनारस के जो बेसिकली जो छिछोरे लड़के रहते हैं उनसे उनसे बहुत सतर्क रहती है और उन्हें हमेशा वॉर्न करती रहती है कि बेटा उनसे दूर रहना. और कैसे ये जय के कैरेक्टर से मिलती है और उन दोनों को प्यार मिल रहा है और कैसे उनकी लव स्टोरी भी सुपर नेचुरल आ जाता है. देखो इतनी सारी चीज़ें हमारी स्टोरी है तो हमारी स्टोरी देखिए. वी हैव गिवन यू अ वेरी गुड रीजन टू वॉच आवर शो. इट्स एक्चुअली इट विल बी ट्रीट फॉर ऑल द ऑडियंसेस टू वॉच समथिंग विद लव स्टोरी एंड सुपर नेचुरल ट्विस्ट ऑल्सो. और ऐसे नहीं कि यू नो It's coming like all the days in the week. It's just coming in the weekend and it's very short and sweet stories, you know. So you should definitely watch. कैसा रहा आप लोगों का experience दोनों के साथ? हाँ ये बताइए रिया, ये please बताइए कि आपका experience कैसा रहा? We are very sorry अब तक हमने shoot नहीं किया है but we know about the story, we know what we are doing in the show. सफल है but अब तो show नहीं हुआ है and definitely थोड़े time बाद हमारी story आने वाली है so accordingly you know सबका shoot चल रहा है. ओके असल जिंदगी में कितना प्यार हुआ आपको? अभी तक तो हुआ नहीं है बट मे बी समटाइम. ओके सर आपका जो बनारस में आपके लड़के के साथ तो बनारस का पान खाने वाले हैं? बनारस का पान बिल्कुल खाएंगे यार. ऐसा नहीं है कि बनारस की स्टोरी तो ही बनारस का पान खाएंगे, हम तो वैसे भी खाते हैं. बट सी मैंने ऐसा पहले प्ले नहीं किया है बिकॉज आई रियली
यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलवेज यू नो कि कुछ नया प्ले करने को इन इफ आई गेट एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट कि बनारस की स्टोरी है लड़का थोड़ा यू नो ऐसा है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज एंड द डायरेक्टर सचिन मोहिते आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम ये जो एक रोमांस है ये अलग ही एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ है और एक पैरानॉर्मल ट्विस्ट के साथ सो ये मुझे जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे अच्छा लगा पर्सनली तो मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती है ना मैं उसे अपने दिल में रख लेता हूँ फिर मैं वो करने बैठ जाऊँ ओके कैसा मिला आपको कुछ व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थोड़ा जॉनर अलग था स्टोरी का और एपिसोडिक मैंने कभी ट्राई नहीं किया मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में एपिसोडिक के अगेंस्ट था मतलब मुझे अजीब सा लगता था एपिसोडिक करना बट नाउ दैट आई हैव डन इट सो आई थिंक एपिसोडिक्स भी इंटरेस्टिंग होते हैं फाइनाइट सीरीज जो 3-4 दिन की होती है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है सो सो आई थिंक आई एम गोना ट्राई मोर डूइंग मोर एपिसोडिक्स ओके पहले जी टीवी कल स्टार प्लस नाउ एन टीवी हर चैनल आप सारे चैनल में धूम मचा देंगे आग लगा देंगे आग लगा देंगे जी ओके माइक के साथ काम करना हाउ वाज एक्सपीरियंस वेल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहले दिन से हालांकि वो मुझे जानती थी पहले तो जानते होंगे ऑफ कोर्स नाम के थ्रू वो मुझे जानती होंगी मैं उन्हें जानता था बट कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो इंडस्ट्री में पहले से हैं तो डे वन से ही जो हमारा एक वो था जो जो दो दोस्ती थी वो बस बढ़ती चली गई 3-4 दिन में बढ़ गई क्या मेरे जो कैरेक्टर था वो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत प्लस एट द सेम टाइम वो इंसान जो था वो कैरेक्टर जो कमिटमेंट होता है कमिटमेंट से डरता जो कि आई थिंक आप लोग सभी कमिटमेंट से डरते होंगे अनलेस आप लोग शादीशुदा हो बट हाँ तो वो कमिटमेंट से डरता था बट प्यार बहुत करता था अपनी गर्लफ्रेंड और शहर छोड़ के जाता है फिर वो पता लगता है उसकी गर्लफ्रेंड मर गई है उसे चीज़ें मतलब बहुत सारी आई थिंक यू गाइस नीड टू सी दिस शो उसके बाद आपको पता लगेगा कि है क्या एग्जैक्टली लाल इश्क में आप किसी किसे इश्क करने वाले लाल इश्क किस किस से इश्क करने वाले आई थिंक शहर कैरेक्टर नेम शहर से इश्क करने वाले ओके सर हमने टीवी में आपको हर जगह देखा आप बहुत रोमांस करते हैं असल जिंदगी में कितना रोमांस करते हैं और क्या प्यार में आप पड़े आपने देखा है मुझे कभी रोमांस करते हुए नहीं यार आई थिंक इट्स अ वेरी लव जो है बहुत ही रिलीजियस चीज़ है सो आई थिंक अगर आप प्यार में पढ़ते हैं तो यू गॉट टू बी सीरियस एंड यू नो कमिटमेंट आपको उसी लड़की को देना चाहिए